So hello guys, welcome back to in another episode of Pokemon Black version 2. So guys, पिछले episode में हम यहाँ पर निम्बासा City में जिम लीडर एलिसा से हार गए थे, लेकिन आज हम पूरी फाइट बैक की यहाँ पर वीडियो बनाने वाले हैं। देखते भाई, तो आज मैंने काफ़ी ज़्यादा मैं अच्छे मूड में, तो आज भाई बैटल करते हैं भाई एक और बार एलिसा को, देखते हैं हम इस बार हरा पाते हैं नहीं। लेकिन आप अब मेरे टीम में देख सकते हो, हम मैंने अपने सैंडाइल को जो है 27 से शायद मेरा सैंडाइल था, मैंने उसको इवॉल्व कर दिया है क्रोकोरोक में। तो हाँ भाई, मेरा जो सैंडाइल है क्रोकोरोक बन चुका है और इसको डिग और क्रंच जैसे मूव भी आने लगे हैं। सो हमारे लिए इजी हो सकता है एलिसा को हराना, लेकिन अब देखते हैं भाई बदला मैं ले पाता हूँ या नहीं। सो भाई, पिछली वीडियो आई थी शाउडाउन बैटल की, तो भाई हाँ हमारे टूर्नामेंट में चल रहा है, हमारा पहला मैच था एडफैक्ट न्यूज़ के साथ, हम जीत गए थे। जिसने भी देखे ना हो तो भाई देख लेना वीडियो सेक्शन में। और हमें हम टॉप 6 में चले गए थे। तो भाई ये पिकाचू डॉल तो काफ़ी क्यूट है, ठीक है था ओके। सो भाई पिछले बार मैं यहाँ पे चला गया था क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा जिम है, लेकिन वो जिम नहीं थी, उसकी रियल वाली जिम जो थी वो यहाँ पे थी। और ये देखो भाई जिम कितना छोटा है ये। सो कुछ नहीं यार, आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी होने वाली है, देखना पड़ेगा कि हमें इससे बैटल करते या नहीं। बैटल तो करेंगे, जीतते या नहीं देखना पड़ेगा। अगर जीते तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन अगर हारे तो भी हारना वाला सोचना नहीं है, जीतने के बारे में सोचते हैं। तो चलो भाई, यहाँ पर है एलिसा, तो बहुत ज़्यादा टफ इंटरेस्टिंग बैटल होने वाली है अभी। सो आई एम रेडी फॉर दिस बैटल। वेलकम टू द मेन स्टेज माय बिलव्ड पोकेमोन एंड योर पोकेमोन शैल कम्पीट। वी आर गोइंग टू सी हू स्टार शाइन ब्राइटेस्ट। और हाँ गाइस, यहाँ पर मैं आपको तीन कारण बताता हूँ कि यहाँ पर जो वीडियो क्यों नहीं आई थी। पहला कारण तो भाई मुझे सैंडाइल की ट्रेनिंग करनी थी, दूसरा कारण था कि मुझे भाई मेरे एग्ज़ाम जो है चालू हो चुके हैं और मुझे पढ़ाई भी करनी होगी तो इसके लिए, और तीसरा कारण है कि भाई जो टूर्नामेंट है मैं उसका जो है मैंने उसके मैचेस मैंने ही रखे हैं। सो हाँ भाई, मैं उसमें भी बिजी था। तो ठीक है भाई, मैं आपको तीन कारण बता दिया। आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होने वाली है, लेकिन चिंता मत करना, और एक दो दिन के बाद हम लाइव भी आएंगे। आज बस हमें इस बैटल करना है, इसके बाद हम फिर से लाइव स्ट्रीम्स चालू करेंगे। वी आर गोइंग टू सी हू चार से बनना है, तो बड़ा बोल दिया था मैंने। तो भाई गौरव वर्सेस एलिसा जो है चालू हो चुका है, तीन पोकेमोन है। सो पहले बार तूने मुझे हरा दिया था, लेकिन इस बार अब मैं देखता हूँ कि मुझे कैसी हराती है। एमोलगन आई है इसका पोकेमोन, आई शुड यूज़ क्रंच अटैक। तो इसने परस्यूड इस्तेमाल किया हम पे, सो मैं यूज़ करने वाला हूँ क्रंच। देखते हैं भाई, बहुत ज़्यादा एच पी गई है इसकी, स्टैटिक से हमें पैरालाइज ज़रूर हुआ है, लेकिन भाई मैं यहाँ पर अपने क्रोकोरोक को ट्रेन किया था, अच्छा ट्रेन किया था मैंने। चलो सो भाई हम जीत चुके गाइस, इसका एमोलगा पहला जो है हार चुका है। नेक्स्ट पोकेमोन जो होगा ये होगा फ्लफ़ी, तो फ्लफ़ी के लिए भाई अब मैं डिग इस्तेमाल करने वाला हूँ, टेक डाउन। तो भाई फ्लफ़ी यहाँ पर पैरालाइज हो चुका है हमारा, तो भाई मुझे पहले पिगनाइट को चुनना पड़ेगा और क्रोकोरोक को करना पड़ेगा हील। सो देखते हैं अभी, पिगनाइट भी काफ़ी मैंने पिगनाइट के भी दो तीन लेवल बढ़ा दिए थे बस जस्ट फॉर सेफ्टी, और ये हीट क्रश सीख गया था तो मैंने आर्म थ्रस्ट यहाँ पर इस पर यूज़ करता हूँ। भाई स्टैटिक हमारा एक और पोकेमोन पैरालाइज, ओ शिट्स कही भाई। चलो एक वोल्ट स्विच मारी इसने, अब मुझे लगता है आएगा जब स्ट्राइक का बाहर। ओके यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगा हीट क्रश को परस्यूट। हाँ भाई मुझे पता है मुझे हील करना है क्रोकोरोक को, तो भाई अब चलो हील करते हैं बिकॉज क्रोकोरोक मेन पोकेमोन अपने, इसमें पैरालाइज हील हमारे पास है तो यूज़ करेंगे क्रोकोरोक पे। सो फ्लेम चार्ज, ओके ओके ओके। सो भाई अभी देखते हैं भाई, चलो हील और करते हैं बिकॉज चलो अगर ये हारा तो हमारा क्रोकोरोक ही सब होगा। परस्यूट ओके ओके ओके। सो भाई मैं पिगनाइट को भी हारने नहीं दूंगा, अब मुझे फिर से क्रोकोरोक को चुनना है और मैं डिग इस्तेमाल करने वाला हूँ। वोल्ट स्विच तो मुझ पर कोई असर नहीं होगा इसका, सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डिग और हमारा जो अंदर गया। और भाई डिग हमने इसको बचा दिया और गाइस इसका जब स्ट्राइक अभी इस मैच से बाहर। यार चलो इसके दो पोकेमोन हरा दिए, बस एक पोकेमोन बाकी है, यहाँ पर फ्लफी आ रहा है। सो भाई इसको भी यहाँ पर हरा देते हैं, इसका बस एक और, इसको बस एक डिग मारने की काम है। चलो यहाँ पर डिग से
ओके बस एक अटैक की देर है और हम यहाँ पर मैच जीत चुके हैं गाइस। हमारा एक क्रोकोरोक ने अकेले उसके तीनों पोकेमोन्स को यहाँ पर भेज दिया है उसके पोके बॉल में वापस। चलो यार, वेल नोप यू आर एन इवन मोर वंडरफुल ट्रेनर अन एक्सपेक्टेड, योर स्वीट फाइटिंग स्टाइल सेट नो माई फीट, टेक दिस। तो गाइस यहाँ पर हमें अपना चौथा जिम बैच मिल चुका है। यस, और चलो क्रोकोरोक को बहुत बड़ा थैंक्स। बोल्ट बैच में मिल चुका है। इफ़ यू हैव फोर पार्टीज इंक्लूड इन दिस बोल्ट बैच पोकन अप टू लेवल 50 इंक्लूडेड इन वर्ड विल ओबे यू। ऑल्सो देयर इज अ मूव लाइक आई फील फ्री टू यूज इट आम यू वांट टू। सो गाइस हमें TM72 बोल्ट स्विच मिल चुका है। पीछे देख सकते हो भाई, आप पीछे देख सकते हो मेरा जो है यहाँ पर पिक्चर आ रहा है बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारा पिक्चर आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी पिक्चर आ रही है बिकॉज हम जीत चुके हैं। चलो भाई, चलो हम जीत चुके हैं यहाँ पर और अभी हमें जाना है पोकेमोन सेंटर में। और ये भाई ये कौन है? वेट प्लीज़ वॉक विद अस, कर ऑफ सो कूल स्टर्निंग। सो भाई यहाँ पर ये कौन है जो भाई मेरे साथ चल रहे हैं? अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेनर, सिंस दैट यू आर यू शुड बी एबल टू कलेक्ट ऑल द जिम बैजेस टू रीच द पोकेमोन लीग, देन यू आर योर पोकेमोन विल शाइन एंड विल ब्राइटर। ओके, तो यहाँ पर तो मुझे शायद अच्छी ट्रीटमेंट दी गई है। एग्जिट तक छोड़ने आए थे शायद ये लोग। सो गाइस चलो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। और गाइस जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने भी नहीं किया हो, बिकॉज और गाइस हम 300 सब्स से बस 6 सब्स दूर हैं। और आज के वीडियो में आप डाल सकते हो आपके क्वेश्चंस Q&A पे। अब भाई 300 स्पेशल हमें Q&A लेके आएंगे, तो आप भाई आप अपने क्वेश्चन जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, पीस आउट।